नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Facebook में टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन फीचर को कैसे डिसेबल करें। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने Facebook अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर को ऑन कर देते हैं और जब जब अपने Facebook अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो दिए हुए नंबर पर OPT आता है, जिससे परेशान होकर काफ़ी लोग इसे डिसेबल करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसे डिसेबल करने के लिए आप ओपन कीजिएगा अपने Facebook ऐप को और Facebook ऐप ओपन हो जाने के बाद आप यहां पे क्लिक कीजिएगा इस तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहां पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, यहां पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको फिर से क्लिक करना होगा सेटिंग्स पे यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी एंड लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब अपने टू स्टेप ऑथेंटिकेशन फीचर को बंद करने के लिए, डिसेबल करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पे, और यहाँ पे आपके मोबाइल का लास्ट का 2 डिजिट दिखलाई देता है, इसी पे OPT जाता है। तो इसे आप डिसेबल करना चाहते हैं इस OPT को, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इस 3 बिंदु पे, और 3 बिंदु पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टर्न ऑफ का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा टर्न ऑफ। अब दोस्तों यहां से आपकी Facebook अकाउंट में टू स्टेप ऑथेंटिकेशन फीचर टर्न ऑफ हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप, और ऐसे ही सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।